दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट आउटलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसा कि मैं लगातार करता आया हूं। अब तक जितनी भी वॉल्यूम्स मैंने कवर की हैं उनकी शॉर्ट आउटलाइंस भी मैंने प्रोवाइड की हैं। आपके पास इनसे अच्छी कोई आउटलाइंस हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट अब एडमिट कार्ड्स इशू हो रहे हैं हर रीजन के, सो अभी आपको नई कोई भी आउटलाइंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिस पे आपका हाथ सेट है आपने सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर अब आप कुछ नया करते हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो मेरा सजेशन यही है कि आप कुछ भी नया अब ना करें, जो आपने कर लिया है उसको रिपीट करें, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 402 से लेकर 405 तक की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 402 की। तो इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा वर्ड आया है जो कि पहले भी आ चुका है, नया कुछ नहीं है, सब रिपीट ही हुआ है। तो इम्प्लीमेंटेशन आप इस तरीके से बना सकते हैं, लाइन के नीचे एम और स्पेस शन की हुक लगा दी है आपने, इम्प्लीमेंटेशन ऐसे बना लेना है। प्रोग्राम्स पी आर और जी आर आपने डबल कर देना है, तो प्रोग्राम्स बन गया एस का सर्कल लगा के। रिक्वायरमेंट के लिए आपने आर बनाना है छोटा। अवेलेबिलिटी, जैसा हम अवेलेबल बनाते हैं बस उसमें आपने बी डिसजॉइन करके लगा दिया, ये हो गया आपका अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है, बहुत सबसे इजी आउटलाइन मुझे लगती है ये। एग्जामिनेशन के डबल करके उस पर सेशन लगा दिया, एग्जामिनेशन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 403 की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है अवेलेबल, ऊपर आपने देखा था कि अवेलेबिलिटी था, सो अवेलेबल से ही निकला है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबल और हाउ एवर को आप क्लैश नहीं करेंगे, मैं हर क्लास में ये चीज़ बोलता आया हूँ। आप क्योंकि अवेलेबल में एल लगता है और हाउ एवर में आर। एक्सपीरियंस आया है के डबल करके, नीचे हमने सर्कल लगा दिया एस का, तो ये हो गया एक्सपीरियंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं बोलता आया हूँ इस चीज़ को शुरू से ही कि मैं साथ में इसीलिए बनाता हूँ, डिसजॉइन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि एक फ़्लो बना रहता है, और फ्लो बनने से जल्दी आपका मतलब हाथ अगर नहीं उठेगा तो उससे आपको फ़ायदा होगा स्पीड में भी। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 404 की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन आया है, कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन के पहले हमने सिर्फ री लगा दिया है आर, दैट्स इट, ये हो गया हमारा रीऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर्विस, लाइन से नीचे एक छोटा सर्कल आपने बनाया वो हो गया सर्विस, अगर सर्विसेस होता तो हम एस को डबल कर देते हैं सर्कल को, एस ई एस का सर्कल लगाते हैं। अमेंडमेंट आपने इस तरीके से लिखना है कंटिन्यूड, जैसा मैंने बताया है कंटिन्यू आप कैसा लिखेंगे, कन का डॉट और थ्रू द लाइन आपने टी और यू लगाना है, वो हो जाता है कंटिन्यू, तो कंटिन्यूड हो जाएगा सिर्फ लाइन तक। 405 ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एक वर्ड डिस्टर्बेंसेज, ये शायद बहुत पहले आया था। सो डिस्टर्बेंसेज आप इस तरीके से बना सकते हैं, डी पे एस टी लगाया आपने और बी और उस पर एस ई एस का सर्कल आपने लगा दिया, ये हो गया आपका डिस्टर्बेंसेज। ऑर्गेनाइजेशंस ये आ गया है यहाँ पे, ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है। वर्किंग निकला है कहाँ से, वर्क से, सो वर्क बनाया उस पर एनजी आपने लगा दिया, ये हो गया आपका वर्किंग। सो दोस्तों नया कुछ भी नहीं है इस आज की क्लास में, सभी अब जो जितनी भी वॉल्यूम्स आ रही हैं वो सब यही है, रिपीट ही होता है कोई भी, इसीलिए 5 से 6 मैगजीन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बशर्ते आपने ऑनेस्टी दिखानी है अपनी तैयारी में। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने 5 से 6 वॉल्यूम बहुत अच्छे से कर ली हैं तो। हर एक वर्ड को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके उस वर्ड को खा जाना है बिल्कुल एकदम, इतना अच्छी मेहनत करनी है आपने। सो दोस्तों अब मैं डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करूँगा अगली क्लास में, अगली ट्रांसक्रिप्शन के साथ आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।